खैरियत प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तुषार एंड वी आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम इज ऑडियो हंटर। सो कैसे है गाइस सब? बढ़िया, मजामत छो, खेम छो, और कैसे है आप सभी? दुआ करते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली अच्छे से होंगी, हष्टपुष्ट होंगी, आनंदित होगी, और आपके तुषार भाई भी बहुत अच्छे है गाइस। तो सबसे पहले तुषार भाई हमारी सारी YouTube फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ बहुत ही थैंक यू करते हैं हमारी YouTube फैमिली का कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और अच्छी अच्छी आपके लिए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, विंटेज भी लाते हैं, होम थिएटर्स भी लाते हैं, स्पीकर्स भी लाते हैं आपके लिए, सबवूफर्स भी लाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी। और अच्छे से रहिए सभी, तुषार भाई की विनती है। तो आज का जो गाइस हमारा जो आज तुषार भाई आपके लिए मेहमान लेके आ रहे हैं वो है सोनी का रिसीवर, जो कि बहुत लेजेंडरी है, लेजेंड मॉडल तुषार भाई जिसे कहते हैं विंटेज सुपर से भी ऊपर है, आपके लिए लेकर आए हैं। और आज जो हमारा मेहमान है बहुत ही यूनिक, बहुत ही लेजेंड, सुपर विंटेज जिसे कहते हैं, सोनी का स्टीरियो रिसीवर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। 1980 के हिसाब से इसका कंडीशन ऑलमोस्ट बहुत बेटर है। ग्लास भी आप देख सकते हैं, ग्लास भी एकदम नीट एंड क्लीन है। लाइट्स भी, एलईडी लाइट जो इसमें लगा है उस टाइम की लाइट्स है जो आज भी बरकरार है गाइस। ये ट्यूनिंग भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए आप, ये लाइट आपको शो करेगा जैसे जैसे ट्यूनिंग घुमाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही लेजेंडरी, जबरदस्त, पावरफुल जिसे कहते हैं तुषार भाई अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए सोनी का स्टीरियो रिसीवर लेकर आए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में है, ग्लास की कंडीशन भी देख सकते हैं, एफएम एएम सब मिल जाता है, ऑल बटन्स प्रॉपरली वर्किंग, फोनों का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसका जो मॉडल है, ये मॉडल है गाइस एफएम एएम प्रोग्रामिंग रिसीवर सोनी का STR333S, ये इसका मॉडल है। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी में कंपनी ने इसको डिजाइन किया है गाइस, देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती, ठीक है। अब मैं आपको इसमें फंक्शन बताता हूँ, यहाँ से ऑफ हो जाता है, ऑफ भी बहुत स्लाइडली धीरे धीरे ऑफ होता ही है, ठीक है। ये गाइस इसका ऑन ऑफ का पावर बटन है, एफएम एमडब्ल्यू है, ठीक है। ये आपको इसका बेस मिल जाता है, ये आपको इसका ट्रिबल मिल जाता है, लाउडनेस स्टीरियो मोनो मिल जाता है, ये इसकी मास्टर वॉल्यूम है, और इसका बैक साइड में ये बैलेंस है, आप देख सकते हैं। टू वॉल्यूम्स आपको इस रिसीवर में मिल जाता है, ये देख सकते हैं, लेफ्ट राइट कंपनी ने लिखा भी हुआ है, बैलेंस डैश वॉल्यूम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक वॉल्यूम में आपको दो कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, फर्स्ट ये वॉल्यूम है, ये बैलेंस है, जो कि इसमें बहुत खूबसूरती से सोनी कंपनी ने इसे डिजाइन किया है। बात करें इसमें आपको फोनों का ऑप्शन मिल जाता है, आप कोई भी टर्न टेबल हो, रिकॉर्ड प्लेयर हो, इजीली अटैच कर सकते हैं, टेप का ऑप्शन मिल जाता है, ट्यूनर है, ठीक है। ये इसके कनेक्टर है, आप इसे एफएम मोड पे चलाएंगे, SW2 पे चलाएंगे, और ये इसकी ट्यूनिंग है, और ये इसका मॉडल है, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा लेजेंड जिसे कहते हैं तुषार भाई सोनी का स्टीरियो रिसीवर अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और इसका मैं अभी आपको रिव्यूज़ बता देता हूँ, फंक्शन सारे मैंने इसको बता दिए, एंड इसको मैं अभी आपको सॉन्ग प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और लास्ट वीडियो में इसके मैं आपको प्राइस के बारे में भी बता दूंगा कि आप इसे कैसे अपने द्वारा मंगा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, इससे आपको नॉलेज ही मिलेगी, कोई पॉइंट रह ना जाए तो देखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ मैंने ये सोनी का DVD प्लेयर लगा रखा है, शैम्पियन गोल्ड कलर में,
जो कि ऑलरेडी ये सोल्ड है। हमारे गृह मंत्रालय के मिस्टर राजीव जी ने इसे बुक कर रखा है, ठीक है, और बहुत अच्छे वो पर्सन है। तो ये डीवीडी उन्हीं का ही है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट में ना पूछिए कि ये डीवीडी कितने का है। ऑलरेडी डीवीडी ये सोल्ड है, बट मैंने इनको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए भी रखा है, क्योंकि हमारे जो राजीव सर है, जो गृह मंत्रालय के है प्रेसिडेंट, तो उनकी अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस कारण अभी वो डीवीडी लेने नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई नहीं राजीव सर, आप भी अपना ध्यान रखिए, मौसम भी थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं। इसके साथ सोनी का मैंने डीवीडी लगा रखा है, जिससे मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा, और साथ में मैंने ये वारफाडेल के बुकशेल्फ लगा रखे, जो कि बहुत प्रीमियम है, बहुत ही अच्छे स्पीकर्स है, ठीक है। ये मेरे पास पेयर स्पीकर्स पड़े थे, इसको ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, वन स्पीकर सेल हो चुका है। हमारे राजस्थान के जितेंद्र भाई साहब हैं, उन्होंने ये स्पीकर का टोकन मनी देके इनको बुक करके रखा है, और ऑलरेडी मेरे पास वन पेयर अवेलेबल है। तो किसी को भी ये बुक शेल्फ चाहिए हो तो आप हमें संपर्क कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से ये ऑन हो जाता है, ये ऑन हो गया तो आप इसमें देख सकते हैं, डिस्प्ले में LED लाइट है, ठीक है। यहाँ इसके FM के बटन से सारे बटन वर्किंग है, जैसे मैं वन दबाऊंगा इसमें लाइट हाईलाइट हो जाएगी, देखिए ये हाईलाइट होगी, 1, 2, 3, 4, then 5, ठीक है। पांचों बटन पूरे वर्किंग है, 5 बटन दे रखे हैं 5 लाइट्स के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे ही इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बटन दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गए आपके FM के मोड्स के बटन, ऐसे ही इसके FM के भी दे रखे हैं, FM के नीचे दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। अब मैं इसे 1 दबाऊंगा ये हाईलाइट हो गया, 2 दबाऊंगा ये हाईलाइट, 3, 4, then 5। सो ऑल बटन्स प्रॉपरली वर्किंग गाइस, ठीक है, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। उस हिसाब के देखा जाए, लेजेंड्स राजाओं के लिए ये एम्पलीफायर्स रिसीवर्स बनाए जाते थे, उस टाइम पे जो FM सुनते थे तो वो इसी टाइप के रिसीवर्स में सुने जाते थे, ठीक है, और पूरा मेड इन जापान का है। आइए मैं एक बार ये आपको इसका बैक साइड का भी फोटो दिखा दूं, जिससे कि आज मैंने एम्पलीफायर की पोजीशन ऐसे रखी है कि ताकि बैक्स में आपको दिख जाए। ये देखिए गाइस, बैक से भी आप इसका कंडीशन देख सकते हैं, इसमें इस तरीके के स्पीकर्स वायरिंग लगती है, ठीक है, स्क्रू वाला है, स्क्रू खोलेंगे वायर रोटेट करके टाइट करके लगा सकते हैं। ये इसका स्टेप लाइव वो दे रखा है 110-220 वोल्ट का, अगर आप इंडिया में हैं तो इसके ऊपर ये कवर लगा रखा है, ये कवर प्लीज ना ही हटाए, क्योंकि घर में जो बच्चे होते हैं अगर उन्होंने यहाँ कर दिया, 110 का स्टेपलाइजर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये इसका मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, अगर आप देख सके थोड़ा सा, ये इसका सीरियल नंबर है 408901 एंड ये इसका मॉडल है, मेड इन जापान है गाइस, वुडन में है, पूरा पूरा वुडन क्वालिटी है। ये इसमें आपको ऑक्स मिल जाती है, और यहाँ पे आप इसके FM AM के एंटीनास लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं नीचे, ये ग्राउंडिंग का ऑप्शन है, अगर आप इसमें टर्न टेबल अटैच करेंगे तो उसकी ग्राउंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ये ग्राउंडिंग का साइन भी बना हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, ये मैंने वायर्स लगा रखी है, ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन में है गाइस सोनी का रिसीवर। सो आइए आपको इसमें साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या है कि आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक है गाइस। और ये मैंने एक सेकंड, इसमें CD शायद डला होगा, देख लेते हैं, ओके CD डला हुआ है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया है, ये अभी CD को रीड कर रहा है, क्योंकि जो CD का क्वालिटी होता है साउंड का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिजिटल साउंड आता है पूरा। और ये हमारा ट्रैक हो गया, ये हम कौन सा सॉन्ग प्ले करें, 2, 3, ये देखिए, ये आपका 4, 5, 6, एक सेकेंड, 7, 8,
कौन सा था वो ट्रैक जो मैं प्ले करता हूँ, हाँ ये वाला, बिकॉज हमें सॉन्ग भी गिने चुने प्ले करके चलाने पड़ते हैं। ये देखिए गाइस बहुत प्यारा साउंड है, ये देखिए मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, ओरिजिनल लाइव रिकॉर्डिंग है, नो एनी एडिटिंग, है ना, बिल्कुल लाइव है, फुली आपके सामने प्रेजेंट में चल रहा है। बहुत प्यारा साउंड आ रहा है गाइस लाइव में, आप देख सकते हैं बहुत क्लियर बज रही है। ये इसका ट्रेबल है, बेस ट्रेबल आप देख सकते हैं फुल वर्किंग, बेस ट्रेबल फोनो बहुत प्यारी क्लैरिटी आ रही है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहे हैं, ये इसका बैलेंस है, ये स्पीकर चल रहा है, ये बंद हो गया, ये स्पीकर वर्किंग, ये स्पीकर इज ऑफ, इसका बैलेंस भी पूरा वर्किंग है। बोलो हरी गोपाल बोलो, वीडियो में बने रहिए गाइस, चैनल्स को भी सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। ठीक है गाइज, ये तो इसका ऑक्स हो गया, मैं आपको FM भी प्ले करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से इसका ट्यूनर ऑन हो जाता है, ठीक है, ये इसका ट्यूनिंग है, आई थिंक मैंने शेयर एंटीना नहीं लगा रखा, थोड़ा सिग्नल का भी इशू होता है हमारे यहाँ इस एरिया में, तो भी चेक कर लेते हैं। एक मेरे को वायर लगाना होगा था इस साइड में ना, एक सेकंड गाइस होल्ड कीजिए, मैं इसका बैक में वायर अटैच कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने बैक साइड में वायर लगा दी, आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा भी रफली लगाया मैंने, आप देख सकते हैं, इसको आप सही से भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जैसे वायर लगाया, तो मेरे ख्याल ये देखिए थोड़ा बहुत आप सिग्नल पकड़ना शुरू कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं सिग्नल पकड़ रहा है ये,
सारे एफएम कैच कर रहे गाइस। देखिए गाइस, बज जाते रहो। ठीक है गाइस, थोड़ा वायर सही लगाएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं रिसीवर की सबसे खासियत होती है गाइस, इसमें एफएम चलना जरूरी होती है। एफएम चलेगा तो बिल्कुल इसका जो मजा है अलग हो जाता है गाइस। मैं 98.3 मिर्ची इट्स हॉट अब देख सकते हैं इसी वर्ष में काफी सिग्नल पकड़ रहा है ये। काफ़ी हद तक सिग्नल्स पकड़े हैं, पर हमारे इस एरिया में सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है पकड़ने में। ठीक है, ये इसका ट्यूनर भी मैंने आपको चेक करा दिया, फुली वर्किंग है ट्यूनर भी। ये आपका ऑक्स हो गया। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। हमारा सोनी का रिसीवर है जिसका मॉडल है STR333S। सो गाइस, किसी भी इसके प्राइस की हम बात कर देते हैं। सो गाइस, किसी भी भाई को बहन को ये सोनी का रिसीवर चाहिए हो तो आप तुषार भाई को बेझिझक होके कॉल कर सकते हैं। कभी कभार कॉल ना मिले तो हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है गाइस, आप नोट कर सकते हैं, 8585950225। मैं दिल्ली से हूँ गाइस तुषार, और इसके बात करें प्राइस की तो गाइस, ये आपको सोनी का रिसीवर मात्र 30,000 रुपीस में इंक्लूडिंग शिपिंग, मतलब 30,000 रुपये में आपको शिपिंग के साथ ये कहीं भी आप इसे मंगवा सकते हैं कोरियर के द्वारा। सो इंक्लूडिंग शिपिंग 30,000, नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एनी वेयर कोरियर। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा रिसीवर है। अगेन मैं बता देता हूँ, 30,000 रुपीस में 30,000 में आपको ये कोरियर के साथ इंक्लूडिंग पैकिंग शिपिंग सब मिला के 30,000 में आपको ये तुषार भाई कोरियर करा सकते हैं। और बहुत ही रेयर मॉडल है, विंटेज है, लेजेंड मॉडल है। तो किसी भी भाई को बहन को चाहिए हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ठीक है, तो हंसते रहिए गाइस, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं दोबारा न्यू वीडियो के साथ। तो बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।